Very good morning to students. How are you all? I hope you all are fine. Okay, students, today we are going to start our new topic, Proverbs. Proverbs, आपने हिंदी में बहुत सुनी है and maximum time you speak thought of the day in assembly. Yes? Like action speaks louder than words. और आप उसको explain भी करते हो assembly में. किसका मीनिंग ये है, थॉट को एक्सप्लेन करते हो ना. तो हर एक प्रोवर्ब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, ठीक है. तो ये कहावत हैं, ईडियम्स होती हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग होता है कुछ, पर वो हमें साउंड्स जो है वो हमें डिफरेंट लगती हैं कि ये पता नहीं क्या वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है. सो लेट्स रीड. Choose the correct options to complete these proverbs. First of all, I am taking proverbs from your book so that it will be easy for you. Okay. The early dash catches the worm. The early riser? No. The early dog catches the worm? No. The complete proverb is the early bird catches the worm. What does it mean? It means one who arrives first has the best chance for success. It means कि जो भी पहले पहुंचता है उसको सबसे पहले सफलता मिलती है. ऐसा नहीं है कि आप excuses देते रहो, नहीं मैं नहीं जा सकता अभी, मेरे पास बहुत work है. जब भी आपको कोई ऐसी opportunity मिलती है उसको grab कर लो, छीन लो, कि आपको लगता है कि नहीं अब कुछ करने का time आ गया है. Don't make excuses because the early bird catches the worm. कि जो जल्दी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है वही सक्सेस ले जाता है. डोंट वेट फॉर द टाइम, डोंट वेट फॉर द राइट टाइम कि नहीं अभी दो दिन बाद कर लेंगे, तीन दिन बाद कर लेंगे. अगर आपको लग रहा है कि ये काम आज हो सकता है, डेफिनेटली यू हैव टू डू. इज डोंट पुट ऑल योर डैश इन वन बास्केट. इट मीन्स एग्स. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. ये प्रोवर्ब्स होती हैं बेटा, अगर आप इसमें बीड्स लगाओगे या बुक्स लगाओगे तो ये गलत होगा, वो आपकी प्रोवर्ब ही चेंज हो जाएगी. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. इट मीन्स डोंट पुट ऑल योर एफर्ट्स फॉर अ थिंग. कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ईजी सी चीज़ है आपको करनी है, देयर इज़ एन ईजी टास्क और आपको करना है और उसके लिए आप पूरे एफर्ट्स लगा देते हो, कि जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी किसी और काम के लिए रखनी चाहिए सेव करके, तो आप एक यूजलेस थिंग पे वो अपनी सारी एनर्जी डाल देते हो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है. सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. कि अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे कामों के लिए भी सेव करके रखो. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स वी हैव टू डू वर्क एट द राइट टाइम. कि मानो कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि हम सारा दिन ट्रबल में रहते हैं, वी आर इन ट्रबल फॉर द होल डे. कि सारा दिन हम सोचने में रहते हैं कि ओहो बड़ी परेशानी हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको निकालना है, लेकिन आप प्रॉब्लम भी फेस करते हो और तीन चार दिन के बाद आफ्टर 2 or 3 days यू फाइंड द सॉल्यूशन, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया ना. क्विक राइट टाइम पे आप उसका सॉल्यूशन निकालो ताकि आपके जो फर्दर डेज हैं वो प्रॉब्लम में ना रहें. इफ़ यू सॉल्व अ प्रॉब्लम क्विकली इट मे सेव एक्स्ट्रा वर्क लेटर. तो प्रॉब्लम को सही टाइम पे सॉल्व करो. बर्ड्स ऑफ अ डैश फ्लॉक टुगेदर. यहाँ पे भी अप्लाई होता है. बर्ड्स ऑफ अ डैश फ्लॉक टुगेदर फेदर. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. कि जो एक ही टेस्ट के एक ही चॉइस के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे की कंपनी को इंजॉय करते हैं. जो नॉटी बच्चे होते हैं वो नॉटी बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं. जो स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं वो स्टडी करने वाले बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं. मैक्सिमम टाइम इट हैपन्स, आई हैव सीन इन द स्कूल. तो जो सेम टेस्ट के बच्चे होते हैं, सेम चॉइस के लोग होते हैं, दे इंजॉय द कंपनी ऑफ ईच अदर. बेटर लेट देन नेवर. ये तो आपने बहुत बार देखा होगा, रोड के ऊपर होर्डिंग्स लगे होते हैं बड़े बड़े, ट्रैफिक पुलिस ने लगाए होते हैं. बेटर लेट देन नेवर. कि ड्राइव स्लो, ड्राइव स्लोली, कि आराम से चलो, कि आप बेशक से देर से पहुंच जाओ किसी प्लेस पे लेकिन सेफ पहुंचो. तो लेट हो जाओ
ऐसा ना हो कि आप कभी ना पहुंचो, तो उससे बेटर है कि बेशक से आप लेट हो जाओ लेकिन सेफ आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ओके नाउ फाइव मोर प्रोवर्ब्स वी विल डू एंड यू हैव टू राइट दीज 10 प्रोवर्ब्स इन योर नोटबुक। ओके आई कैन टेक योर टेस्ट एनी टाइम एंड यू हैव टू एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑल्सो बिकॉज यू कैन सी द वीडियो, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ये तो हम थॉट असेंबली में भी बहुत बार बोलते हैं और मैंने ऐसे थॉट प्रोवर्ब्स चूज़ किए हैं जिनसे आपको कुछ लेसन भी मिले। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कि आप बोलते रहोगे सारा दिन, मैम भी लेक्चर देते रहेंगे, आप भी सुनते रहोगे, आप भी बोलते रहोगे कि मैम मैं तो आज सारा वर्क कर लूँगा, मैम आज तो मैं 2 और 3 नोटबुक्स का इकट्ठे ही काम कर लूँगा, और आप पेन नहीं उठाते, नोटबुक नहीं उठाते, पेंसिल नहीं उठाते, तो उसका क्या यूज़ है कि आप सिर्फ बोल रहे हो लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं किया। कि हम वी आर सिटिंग एट अ वन प्लेस एंड गिविंग लेक्चर्स, तो इसका कोई मतलब नहीं हो जाता जब तक आप एक्शन नहीं करते हो। देन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की वर्ड से ज़्यादा हमारे एक्शन स्पीक करते हैं, बोलते हैं कि हमारा किया हुआ काम दिखता है, हमारा रिजल्ट दिखता है। अगर हम एग्ज़ाम्स में मेहनत नहीं करेंगे तो वो रिज़ल्ट कैसे आएगा? अगर हम मेहनत करते हैं, हमारा एक्शन है वो, ठीक है। हार्ड वर्क इज़ आर एक्शन, सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। नेक्स्ट इज डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। इट मीन्स कि जो पर्सन आपकी हेल्प करता है, डोंट हर्ट दैट पर्सन हु हेल्प्स यू इन नीड। कि जो पर्सन आपको नीड में, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपको कभी भी हर्ट नहीं करता, आपके लिए हमेशा रेडी रहता है कुछ भी करने के लिए, तो आप उसको प्रॉब्लम में मत डालो, कभी भी उसको हर्ट मत करो। डोंट बाइट दैट द हैंड दैट फीड्स यू, कि उस हैंड को कभी बाइट मत करो जो आपको फीड करता है, यानी जो आपको हेल्प करता है एवरी टाइम। डोंट जज अ बुक, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कई बार क्या होता है, हमें कोई पर्सन है दिखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन जो उसका हार्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, इट मीन्स उसका मन अच्छा नहीं होता। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि कभी भी सिर्फ सूरत देख के मत चलो, सीरत भी देखो कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। मे बी वो अच्छा नहीं दिखता हो, ठीक है, लेकिन उसके काम और उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हों, उसका काम बहुत अच्छा हो। सो रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देम सेल्व्स। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि भगवान उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। मैं सारा दिन गॉड को प्रे करती रहूँगी, प्लीज़ गॉड गिव मी गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम, कि मुझे एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ 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 आई प्रे ऑल द टाइम। पॉसिबल होगा? ठीक है, गॉड भी मेरी हेल्प करेंगे बट मुझे हार्ड वर्क। गॉड क्या कहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूँगा अगर आप हार्ड वर्क करते हो। गॉड पे तो हम बिलीव करते हैं ना, वी आर थीस्ट। जो गॉड पे बिलीव करता है उसको थीस्ट बोलते हैं, लेकिन भगवान सिर्फ उन्हीं की हेल्प करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। अब ऐसा तो नहीं हम स्टडी नहीं करेंगे और सारा दिन गॉड को प्रे करेंगे कि अच्छे मार्क्स दिलवा दो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। जब तक हम स्टडी, गॉड हमें स्ट्रेंथ देते हैं, गॉड हमें ताकत देते हैं ताकि हमें एनर्जी आए और हम अपने वर्क को अच्छे से करें, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि गॉड हमेशा उन्हीं की हेल्प करते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ये मैक्सिमम होता है आप लोगों के साथ, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। इट मीन्स कि वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। कि मान लो आपके पापा आपके लिए बाइसिकल ले आए, ठीक है, ब्लू कलर में है आपकी बाइसिकल, फिर आपने देखा कि आपके नेबर में आपका फ्रेंड है वो ग्रीन कलर की बाइसिकल ले आया, फिर आपको लगेगा नहीं मुझसे ज़्यादा तो अच्छी इसकी बाइसिकल है, फिर आप पापा को बोलोगे पापा उसकी बाइसिकल ज़्यादा अच्छी है। होता है ना ऐसे कि आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी स्टेशनरी है, पेंसिल है, स्केल है, पाउच है,
किट है कितनी भी अच्छी है आपके पास, लेकिन जब आपको लगता है कि आपका फ्रेंड न्यू लेके आया है तो आपको लगता है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छी है। सो नेवर कॉपी अदर्स, किसी को कॉपी मत करो, अपनी एक इमेज बनाओ, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसी से सेटिस्फाइड रहो, तो आप किसी को भी कॉपी मत करो, ठीक है ना। हमेशा अपनी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको जो भी देते हैं तो वो सबसे अच्छा ही देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विथ फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। फ्रेजेस क्या होते हैं बच्चे? लाइक वी हैव वर्ब्स, पिक, टेक, मेड, रैन, पुट। अब हमने इसके साथ आउट, अप, ऑफ, ऑफ, अप, ये सब ऐड कर दिया है, तो इनकी जो सेंस है, इनका मीनिंग है, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं पिक के साथ अप लगाती हूँ तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, अगर मैं पिक के साथ आउट लगाती हूँ तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। मेड अप, मेड ऑफ, रैन ऑफ, रैन अप, पुट अप, पुट ऑन, पुट ऑफ, इन सब के मीनिंग फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, सब डिफरेंट हो जाते हैं बेटे। मैं आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई वे से आपको मैं टीच करवाऊंगी, नो। द मेन पर्पज़ ऑफ माइंड इज कंटेंट शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ओके। अब मेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? दिस ब्रेसलेट इज डैश गोल्ड एंड रूबीज। मेड ऑफ होता है किसी चीज़ में यूज़ होना, ठीक है। किसी अब गोल्ड जो मेरा ब्रेसलेट है वो गोल्ड एंड रूबीज से बना हुआ है। मेड ऑफ, दिस ब्रेसलेट इज मेड ऑफ गोल्ड एंड रूबीज। आई गेव द लिटिल गर्ल माई आइसक्रीम एंड शी डैश हैप्पीली। आप कैसे चूज करोगे? पिकआउट। पिकआउट का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ चूज़ करना। टेकअप का मीनिंग होता है कोई नई हैबिट अडॉप्ट करना। रैन ऑफ का मीनिंग होता है क्विकली वहाँ से, सडनली जिस प्लेस पे हो आप उससे, वहाँ से आपको लीव कर जाना। पुट अप का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ अपने प्लेस से उठाना, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आई गेव द लिटिल गर्ल माई आइसक्रीम एंड शी डैश हैप्पीली, तो इसके लिए क्या होगा? शी रैन ऑफ हैप्पीली। लुक इन माई कबर्ड एंड डैश अ ड्रेस टू वेयर टू द पार्टी। नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट पिकआउट मीन्स चूज करना। लुक इन माई कबर्ड एंड पिकआउट अ ड्रेस टू वेयर टू द पार्टी। हेल्प मी डैश द पेंटिंग्स, सुधीर। हेल्प मी पुट अप द पेंटिंग्स, कार्तिक। डिसाइडेड टू डैश अ न्यू हॉबी इन हिज स्पेयर टाइम, टेक अप। मैंने बताया था ना, कोई हैबिट चूज करना, कोई हैबिट अडॉप्ट करना, दिस इज ओके। फाइव मोर फ्रेजल वर्ब्स वी विल डू। बोलो कि मैम कितना सारा काम करवा रहे हैं ना, पर बच्चे अगर मैं आपको एक लिमिटेड से दे देती हूँ ना, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। लुकअप फाइंड, लुकअप मीन्स फाइंड। लुकअप द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी, इट मीन्स फाइंड द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी, सो लुकअप मीन्स फाइंड। कॉल्ड अप, मेड अ फोन कॉल। आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड टू विश हिम ऑन हिज बर्थडे। सेट आउट, बिगिन जर्नी। जर्नी क्या होता है? जब हम ट्रेवल करते हैं कहीं पर जाना, सेट आउट। द कैप्टन सेट आउट ऑन अ फाइन डे टू एक्सप्लोर न्यू आइसलैंड, कि कैप्टन ने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की है न्यू आइसलैंड्स पे जाने के लिए। पुट असाइड, इट मीन्स सेव। माई मदर पुट असाइड सम मनी टू बाई अ ड्रेस फॉर मी। पुट ऑन वोर, पुट ऑन का तो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं, पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन योर शूज़। और पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिमूव करना। पुट ऑफ योर ड्रेस, पुट ऑफ योर शूज़। शी पुट ऑन हर ओवर कोट। सो 10 फ्रेजल वर्ब्स एंड 10 प्रोवर्ब्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। नो, फ्रेजल वर्ब्स यू कैन डू ओनली 5, ओके। ओनली 5 फ्रेजल वर्ब्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक, बट 10 प्रोवर्ब्स यू हैव टू राइट, फाइन, ओके। नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ब फ्रॉम द बॉक्स। वर्ब तो हमारी टेंसेज में हर जगह आती है, तो वर्ब्स के लिए आई थिंक आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट वर्ब, विदाउट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वी कैन नॉट इमेजिन अ सेंटेंस। सो वॉल्केनो के लिए क्या यूज़ करते हैं वर्ब? यानी साउंड्स लगा लो आप लोग, हम साउंड्स करते आ रहे हैं।
वॉल्केनो इरप्ट्स, इरप्ट्स जब ब्लास्ट होता है वोल्केनो में। लाइटनिंग स्ट्राइक्स, अ फ्रॉग क्रॉक्स। द विंड ब्लोज, अ वुल्फ हाउल्स। ग्लास क्रैक्स, वेरी इजी। द स्वेलोज डैश अवे टू अ वार्मर प्लेस, फ्ल्यू। इट वॉज कोल्ड सो वी ड्रैंक सम हॉट चॉकलेट। द हैप्पी प्रिंस क्राइड व्हेन ही सॉ द सिक चाइल्ड। मनस्वी हेल्प्स द गार्डनर बाय वॉटरिंग द प्लांट्स। किम्स कार हैड अ फ्लैट टायर सो शी वॉक्ड टू द बस स्टॉप। प्रेम स्विम्स इन द लेक एवरी डे। एंड दीज आर ऑल्सो वेरी इजी। आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स इन जून। द टीचर इज गिविंग अस सम सम्स टू सॉल्व। मधु एंड रीना आर गोइंग टू कश्मीर फॉर अ हॉलीडे। द चिल्ड्रेन आर रिसाइटिंग अ पोम ऑन एनुअल डे। रेनू इज वर्किंग ऑन हर साइंस प्रोजेक्ट। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आई हैव एक्सप्लेन्ड वेरी वेल बुक वर्क। तो आई थिंक कि इससे ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन शायद गूगल मीट क्लासेस पे मैं ना दे पाऊँ। तो मैं आपकी उस टाइम पे क्वेरीज ले सकती हूँ, और अगर कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मैं आपका क्लियर कर सकती हूँ। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट इट केयरफुली, लर्न इट केयरफुली, अंडरस्टैंड इट केयरफुली। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।